मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही बड़े सूफी सेंट थे। उनका जो ज्ञान था वो बहुत व्यापक था और अक्सर जो है उनको लोग बुलाते थे बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देने के लिए। लेकिन मुल्ला का जो तरीका था अपने ज्ञान को पहुंचाने का बड़ा अजीब हुआ करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बुलाया गया सबक देने के लिए, भाषण देने के लिए, समझाने के लिए। तो मुल्ला जब स्टेज पे खड़े हुए तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं जानते। तो इस पर मुल्ला ने कहा कि मैं ऐसे अज्ञान लोगों को कुछ नहीं समझा सकता, और वो चुपचाप स्टेज से उतरे और चले गए। ऑडियंस बड़ी परेशान, ऑर्गेनाइजर्स बड़े परेशान, क्या किया जाए। खैर, थोड़े दिनों बाद में फिर एक दूसरी सभा जो है वो बुलाई गई और उसमें जो है फिर मुल्ला जी को बुलाया गया। अब मुल्ला जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो फिर उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या आप उस विषय के बारे में जानते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं? तो लोग चाहते थे कि मुल्ला भाषण दें, और इसलिए सभी लोगों ने कहा हाँ सर, हम लोग जानते हैं कि आप किस टॉपिक पे क्या बोलने वाले हैं। तो मुल्ला ने कहा कि जब आप पहले से ही जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं तो मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं। और वो फिर स्टेज से उतरे और घर चले गए। अब तो जो ऑर्गेनाइजर थे बड़े परेशान हो गए, दर्शक भी बड़े परेशान हो गए। वो मुल्ला का ज्ञान पाना चाहते थे लेकिन दोनों सिचुएशन में कोई रास्ता ना निकला। खैर, फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि अब की तो मुल्ला को बुलवा के ही मानेंगे। तो तीसरी बार उनको बुलाया गया, फिर वो स्टेज पे चढ़े, फिर उन्होंने वही सवाल किया, क्या आप उस विषय के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं? तो आधे लोगों ने कहा हाँ हम जानते हैं, आधे लोगों ने कहा हम नहीं जानते हैं। तब मुल्ला ने कहा कि जो लोग इस विषय के बारे में जानते हैं वो उन सारे लोगों को पढ़ा दें जो उस विषय के बारे में नहीं जानते हैं, इसमें मेरी जरूरत ही क्या है। और फिर वो स्टेज से उतरे और चले गए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है इसका एक जो सिंपल मैसेज है वो ये है, जो हमें समझ में आता है कि मुल्ला नसरुद्दीन बड़े लापरवाह टाइप के, आलसी टाइप के, बहानेबाज टाइप के व्यक्ति थे, जो कि हर मौके पे कैसे काम ना किया जाए उसका बहाना ढूंढ लेते थे। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कोई ना कोई बहाना पा जाते हैं कि उनको काम ना करना पड़े, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कहानी का जो तात्पर्य है, जो मैसेज है, वो कहीं ज़्यादा गहरा है। देखिए, हम पहली सिचुएशन पर आते हैं जब मुल्ला ने उन लोगों को बताने को मना कर दिया जिनको उस विषय के बारे में जानकारी नहीं थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर कुछ जानकारी होती है, उस व्यक्ति को ही ज्ञान देना सही रहता है। अब आप सोचिए, मान लिया कि अगर जो है आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है और उसको आप फिजिक्स पे लेक्चर देने लगे, या फिजिक्स का कोई व्यक्ति है उसको आप फिलॉसफी पे लेक्चर देने लगे, तो उसका क्या महत्व है? ऐसे व्यक्ति को लेक्चर देना ही अच्छा रहता है, समझाना अच्छा रहता है, जिसको उस बारे में कुछ पता हो। जिसको उस बारे में कुछ नहीं पता है उसके ऊपर अपनी जो एनर्जी है, अपना जो सामर्थ्य है, उसको आपको जाया नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरी मीटिंग की चर्चा करते हैं। इस मीटिंग में मुल्ला ने उन लोगों को पढ़ाने के लिए मना कर दिया जो ये समझते हैं कि वो पहले से सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग पहले से भरे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ज्ञान पहले से ही पूरा है। वो कई बार ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा प्रायोजन करते हैं कि दूसरों से सीखेंगे, और इसलिए दूसरों को बुलाते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन वो उसको सीखने के लिए नहीं सुनते हैं बल्कि उसमें कमी निकालने के लिए सुनते हैं। वो उसको सुनेंगे और उसके अंदर कमियां निकालेंगे क्योंकि उनका दिमाग तो पहले से भरा हुआ है। और ऐसे लोगों को भी पढ़ाने से, समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी आप कभी ना पढ़ाएं,
कभी ना समझाएं जो पहले से अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। अब हम तीसरे सिचुएशन पे आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है इसके अंदर। देखिए, हमें कुछ विषयों के बारे में पता रहता है और कुछ विषयों के बारे में पता नहीं रहता है। कुछ के बारे में हम ज्ञानी हैं और कुछ के बारे में हम अज्ञानी हैं। और अगर हम सहयोग का रास्ता अपनाएं, एक दूसरे से सीखें, तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम सीख नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान किसी न किसी के पास तो है। तो ये जो तीसरा जो एपिसोड है, तीसरी जो घटना है, वो हमें ये सिखाती है कि हमें किसी बाहरी व्यक्ति की बजाय आपस में सीखने की आदत डालनी चाहिए। आपस में कॉपरेशन करना, एक दूसरे से सीखना। और अगर हम एक दूसरे से सीखने की आदत डालें, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको कि हम सीख नहीं सकते, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते, ऐसा कोई मकसद नहीं है जिसको कि हम पा नहीं सकते। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हमें ज्ञान देना है या ज्ञान लेना है, तो उसका क्या सही तरीका होना चाहिए, ये हमें इस कहानी के माध्यम से सीखने को मिलता है। हम ऐसे लोगों को ना सिखाएं जो अज्ञानी हों या जो पूरी तरीके से अहंकार से चूर हों, ज्ञान से भरे हों, या ऐसे लोगों को जो स्वयं में सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके सीख सकते हैं, उन लोगों को भी हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हम सबको आत्मनिर्भर बना सकते हैं और एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं कि हर व्यक्ति इस जीवन से स्वयं सीख के आगे बढ़ सके।